कार्यक्रम है। वाराणसी जनपद में कार्यकर्ता सम्मेलन का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसी प्रकार हम हर एक ज़िले में जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि पंचायत चुनाव का आगाज़ हो चुका है और हमारी पार्टी संगठन की तैयारियां जोरों शोरों पर है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं अलग अलग जनपदों के, वो सभी बढ़ चढ़कर पंचायत चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस दृष्टि से जनपद में पंचायत चुनाव के को देखते हुए संगठन की क्या तैयारियां हैं और उसकी समीक्षा के साथ साथ कार्यकर्ताओं में जोश भी भरना है और साथ ही साथ हमारे पार्टी के जो वैचारिक विषय हैं उनको भी कार्यकर्ताओं के बीच में रखना है। हमारी पार्टी प्रमुखता से अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की मांग केंद्र सरकार के अंदर करती आ रही है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की मांग करने के हमारे दो कारण हैं। सबसे पहला कि हमारे देश की निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत के अंदर न्यायाधीशों के जो पद हैं उसमें काफ़ी रिक्तियां हैं, जिसके चलते आम आदमी के मामलों का, उसके मुकदमों का निपटारा समयबद्ध तरीके से नहीं हो पाता है। उसका बहुत सारा धन, उसकी बहुत सारी ऊर्जा, उसका बहुत सारा समय नष्ट होता है। तो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की दृष्टि से न्यायाधीशों के पदों पर जो रिक्तियां हैं वो भरी जाएं, ये तभी संभव होगा जब भारतीय न्यायिक सेवा का, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का गठन होगा। और इसके साथ ही निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक जो हमारे न्यायाधीश के पद हैं उस पर समाज के हर वर्ग की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए भी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की ज़रूरत है। इसके साथ ही हमारी पार्टी निरंतर देश के संसद के अंदर, चूँकि भारत सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बना हुआ है, जनजाति कल्याण मंत्रालय बना हुआ है, लेकिन पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय अभी तक गठित नहीं हो पाया है आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी। इसलिए हमारी पार्टी निरंतर ये मांग कर रही है कि भारत सरकार के अंदर पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का गठन किया जाए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी पिछड़ा वर्ग सिर्फ हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक विषय है। जिस तरीके से हमारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बहुत सारे विषयों को देखता है, दिव्यांगों के विषय को देखता है, ट्रांसजेंडर्स के विषयों को देखता है, जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके विषयों को देखता है, अनुसूचित जाति के विषयों को देखता है, तो उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के विषयों को भी देखता है। तो मंत्रालय को इतने सारे विषय देखने की वजह से मंत्रालय ओवरलोडेड है और मंत्रालय के बजट का बहुत छोटा हिस्सा है जो पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए जाता है। और पिछड़े वर्ग की आबादी को देखते हुए, आबादी के साइज़ को देखते हुए, आकार को देखते हुए ये ज़रूरी है कि जैसे भारत सरकार में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, जनजाति कल्याण मंत्रालय अलग से बना है और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय अलग से बना है, उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय अलग से गठित किया जाए। तो ये कुछ विषय है जिनको आज कार्यकर्ताओं के बीच में उठाने का हम काम करेंगे। 2022 के चुनाव की सभी लोग तैयारियां कर रहे हैं लेकिन आपको साइलेंट कर दिया गया है, ऐसा मानना है लोगों का? आपको इतना शोर हमारे कार्यकर्ताओं का नहीं सुनाई पड़ रहा है, ये मैं बड़ी अचंभित हूँ ये देखकर। हम लोग इतनी तेज़ी से काम कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर हमारे संगठन का बहुत तेज़ी से विस्तार हो रहा है। नए युवा साथी और बड़ी संख्या में महिलाएं हमारी पार्टी के संगठन के साथ जुड़ रहे हैं, अपना दल की विचारधारा से लोग प्रभावित हैं और बड़ी तेज़ी से उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में हम अपने संगठन को धार देने में लगे हुए हैं। और इसलिए ये पंचायत चुनाव भी जो है, इसे मैं मानती हूँ कि हमारे विधानसभा चुनाव का एक ये सेमीफाइनल के रूप में है और इस चुनाव के माध्यम से सीटों को जीतना तो एक उद्देश्य है ही, लेकिन इस चुनाव के माध्यम से हमारे संगठन के बहुत सारे कील कांटे दुरुस्त करने का भी हमें अवसर मिलेगा। संगठन में यदि विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए कुछ कमियां हैं तो उनको भी जानने का हमें अवसर मिलेगा। इसलिए पंचायत चुनाव बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और ये सब कुछ हमारा जो सारी तैयारी है वो सारी रूपरेखा विधानसभा चुनाव 2022 को देखकर ही तैयार की जा रही है। ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी भी आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं और अन्य पार्टियां भी आ रही हैं, आम आदमी पार्टी ने भी घोषणा किया था, तो इस बार का चुनाव काफ़ी टफ नहीं लग रहा है? किस तरीके से आप संगठन में, किस तरीके से संगठन में मजबूत? देखिए, जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है तो मुझे तो लगता है अभी उत्तर प्रदेश में उनका कोई आधार ही नहीं है। उनका आधार दिल्ली में और
अन्य राज्यों में हो सकता है, लेकिन बाकी ठीक है। चुनावी मौसम में बहुत सारे नए नए नेता आते हैं, नए नए एजेंडाज के साथ आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि कौन सा राजनीतिक दल है, कौन वो नेता है, कौन वो कार्यकर्ता है जो लगातार 5 वर्ष तक उनके बीच में बने रहते हैं। तो चुनावी मौसम में लोकतंत्र है हमारे देश में, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन मतदाता बहुत जागरूक है और जो लोग हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, उनको ही मौका मिलता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से 5 साल जनता के बीच में रहने का कार्य किया है, उससे पूरी तरीके से जनता हमारे साथ खड़ी है। प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव जो है मंदिर मंदिर जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? तो उसमें कौन सी बुराई है, जाना चाहिए। पहले नहीं जाते थे, अब जो चुनाव आ रहा है, चुनाव के टाइम में क्यों नहीं? 5 साल चुनाव के समय बहुत कुछ देखने को मिलता है, मैंने पहले भी कहा। देखिए, हर राजनीतिक दल, क्योंकि समाजवादी पार्टी की पहले सरकार रह चुकी है और चुनाव के वक्त में हर राजनीतिक दल को जनता के बीच में आने का, दावे करने का अधिकार होता है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 5 साल तक किसने कितना काम किया है, इसका आकलन उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है। उत्तर प्रदेश राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही जागरूक राज्य है। आप सब जानते हैं कि देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला हमारा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश के जो हमारे मतदाता हैं, उनका जो पॉलिटिकल विजडम है, जो राजनीतिक विवेक है, वो उसका जब निर्णय आता है तो सबको समझ में आता है कि कितनी तीखी नज़र, कितनी पैनी नज़र हमारे राज्य के मतदाताओं की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के गतिविधियों पर रहती है। तो जिसने 5 साल काम किया है, ईमानदारी से सेवा की है, उसको जनता फिर से मौका देगी और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पार्टी और कार्यकर्ताओं ने जनता के साथ सदैव खड़े होने का काम किया है। पीएम मोदी ने कहा था कि गंगा के घाट से खड़ा होकर कहा था, मैं आया नहीं, माँ गंगा ने बुलाया। गंगा पर आज बनारस में कितना काम? मुझे तो लगता है कि गंगा रिजुविनेशन के लिए सबसे ज़्यादा काम अगर हुआ है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही हुआ है। पहले भी गंगा की सफाई के लिए बहुत सारा धन आवंटित किया जाता था भारत की सरकार की तरफ से, लेकिन गंगा कितनी साफ हुई ये आप सब जानते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से मिशन मोड पर गंगा को अविरल निर्मल बनाने के लिए काम किया जा रहा है, पिछले वर्ष लॉकडाउन से पहले की बात है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक पूरी यात्रा, गंगा यात्रा भी निकाली गई थी जो बनारस और मिर्ज़ापुर भी पहुंची थी। तो जिस तरीके से एक अभियान स्वरूप गंगा की सफाई के लिए काम किया जा रहा है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता उसको भली भांति देख रही है और उसमें प्रगति दिखाई भी पड़ रही है। बंगाल में बेटी मुख्यमंत्री होगी या बुआ होगी, इसको लेकर विवाद छिड़ गया है। देखिए, बंगाल की लड़ाई बहुत रोचक होती जा रही है और नहीं, वो ठीक है, कोई ना कोई किसी ना किसी को समर्थन करता ही है। मैं बंगाल स्वयं तो नहीं गई हूँ, लेकिन जितना आप लोगों के अखबारों और टीवी चैनल्स के माध्यम से जितना मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, तो मुझे ज़रूर लग रहा है कि बंगाल की लड़ाई बहुत रोचक होने जा रही है और बंगाल में बहुत बड़े परिवर्तन के आसार भी नज़र आ रहे हैं। जिस तरह का अखिलेश जी ने आरोप लगाया था ईवीएम, देखिए ऐसा है कि अभी कुछ दिनों पहले विधान परिषद चुनाव के भी नतीजे आए थे, तो मैंने एक टेंडेंसी देखी है कि जब नतीजे हमारे पक्ष में आते हैं तो ईवीएम सही हो जाता है और जब नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है। इतनी हल्की हो चुकी है कि आम मतदाता भी इन आरोपों को अब गंभीरता के साथ नहीं सुन रहा है। आपको नहीं लग रहा कि जनता महंगाई को लेकर खासा नाराज है? 2022 में इसका काफी बुरा असर पड़ा है, कीमतें काफी बढ़ी हैं, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, काफी मजा रूट पा रही है महंगाई को लेकर। बेरोजगारी तो एक मुद्दा है, बयान दिया था कि जाड़े में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बढ़ गए। मेरे को ऐसे किसी बयान की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारा देश और पूरी दुनिया कोरोना पैंडमिक के एक बहुत विकट दौर से गुजरी है और अभी कुछ ही दिन पहले 1 फरवरी को हमारा भारत सरकार का बजट भी आया है। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी अपना बजट पेश किया है और उसमें बड़ी एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार की गई है कि हमारे कोरोना पैंडमिक की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से जो हमारी अर्थव्यवस्था नीचे गई थी और जिस तरीके की बेरोजगारी और तमाम समस्याएं पैदा हुई थी, उनसे निपटने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा खाका तैयार किया है। 5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार करने जा रही है, MSME इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों को बढ़ाने जा रही है। तो ये सारे प्रयास इसी दिशा में है
कि जो हमारा जनजीवन और हमारी अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है उसको हम धीरे धीरे पटरी पर लाएं और उसी क्रम में जो ये सारी समस्याएं अभी नज़र आ रही हैं वो भी अपने आप नियंत्रित होंगी।